दो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बाबूलाल गौर की भोपाल में मुलाकात से इस वक्त प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। दिग्विजय सिंह ने बाबूलाल गौर को कांग्रेस से लोकसभा लड़ने का ऑफर दिया। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर देने से तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बढ़ती राजनीतिक अटकलों के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने मुलाकातों को सौजन्य भेंट बताया, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि दिग्विजय सिंह के ऑफर पर बाबूलाल गौर ने विचार करने का आश्वासन दिया है, तब उन्होंने पार्टी का बचाव करते हुए इसे कांग्रेस की अंतरकलह का नतीजा बता दिया। हालत ये है कि चुनाव लड़ाने योग्य कांग्रेस के अपने पास उम्मीदवार भी नहीं है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहारा लेना चाहते हैं। और जैसा मीडिया में आया, आप सबने बताया कि वो बाबूलाल जी गौर के निवास पर गए थे, भोजन करने के लिए गए थे, वहां उनको ऑफर किया, लेकिन साथ में मीडिया ने यह भी बताया कि बाबूलाल जी गौर ने यह कहा है कि मुझे उन्होंने ऑफर किया है, अभी कोई निर्णय की स्थिति नहीं है। कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये साबित कर रहा है कि कांग्रेस भारी अंतर विरोधों से घिरी हुई है।